मैंने अपना बयान दिया और बयान लेने के बाद एप्लीकेशन पे साइनमेंट पूरी हो गई। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा और मैं उनका बहुत खुशगुजार। सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, क्योंकि बहुत से लोगों की मांग है कि प्रियदर्शनी को जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए। और आपको बता दें कि साहत अली ने बोला है कि अगर हमको इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच कैब ड्राइवर शहादत अली सिद्दीकी ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है इस केस को लेकर, जिसके बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस केस रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों इस पूरे मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा कैब ड्राइवर शहादत अली सिद्दीकी ने किया है। उन्होंने बताया है कि जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तब 9:30 बजे का समय था और उसके बाद वो लगातार 1 बजे तक पुलिस वालों से गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वाले ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से सुबह से काम पर निकले थे और शाम को करीब 10 बजे वो अपने घर पहुंचते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन 9:30 बजे वो थाने में थे, वो भी पिटने के बाद। और उसके बावजूद वो पुलिस वालों से गुहार लगाते रहे कि उन्हें पानी चाहिए या खाना दीजिए, तो पुलिस वालों ने उन्हें कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया। शहादत अली का कहना है कि उन्हें ये तक कहा गया कि भाई 1 बज चुका है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, मैं भूखा हूँ, आप मुझसे पैसे ले लीजिए, पैसे लेकर कुछ खाने के लिए ला दीजिए, तो पुलिस वालों ने उन्हें साफ मना कर दिया और चुप रहने को कहा। वहीं इस पूरे मामले की खबर जब उनके भाइयों को चली और उनके भाई थाने पहुंचे और उनके भाइयों ने देखा कि भाई पानी और खाना भी नहीं दिया जा रहा है, तो उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करते ही पुलिस अधिकारी उन पर भड़क उठे। पुलिस अधिकारी ने न सिर्फ शहादत अली को गालियां दी बल्कि उनके भाई को भी गाली दी। एक पुलिस अधिकारी जिसका नाम मन्नान है, उसने कहा कि साले तू अपनी औकात दिखा रहा है, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर ले। आपको बता दें ये पूरा वाक्य सामने आने के बाद यकीन करने के लायक नहीं है कि किस तरह से पुलिस वाले इस बात पर कायम रहते होंगे कि वो जो लोग पुलिस स्टेशन लाए जाते हैं उनके साथ मानवीय व्यवहार करते हैं। समझिए, जो इंसान भूखा हो और वो ये तक कहे कि भाई साहब मुझसे कुछ पैसे ले लो और मेरे लिए खाने को ला दो, मैं भूखा हूँ, तो उसका वो भी अवेलेबल नहीं कराया जाता है। साथ ही शहादत अली सिद्दीकी का ये भी कहना है कि उन्होंने कहा कि काफी देर हो चुकी है, मैं घर नहीं पहुंचा हूं, मेरे पिताजी का इंतकाल हो चुका है और मेरी माताजी जो है वो हार्ट पेशेंट है, और अगर उन्हें नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ हूं तो उन्हें कुछ भी हो सकता है, अगर मेरी माँ मर जाती है तो उन्हें कौन वापस ला कर देगा। इस पर भी देखिए उन पुलिस वालों का जो दिल है वो नहीं पसीजा और उन्होंने साफ इनकार कर दिया किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए। मसलन ये एक बेसिक राइट है कि जब आप किसी को लॉकअप में बंद करते हैं तो पानी, वॉशरूम और खाने की व्यवस्था उसकी होनी चाहिए, और यहाँ तक इंसान पैसे देने के लिए भी तैयार था तो भी पुलिस वालों ने नहीं सुना। इस पूरे मामले में हिरेन सिंह, मोहम्मद मन्नान और महेश दुबे आरोपी हैं। लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया तो जस्टिफाइड है कि लड़की ही सही, लड़का गलत? हाँ, लड़का गलत। अगर भाई जान मैं अगर हाथ भी रख देता तो मुझ पे ये कितनी धाराएं लगा देती, मेरी जिंदगी खराब हो जाती। मेरे घर में मेरी माता पिता ने ये नहीं सिखाया है किसी औरत को मारना। मैं एक बहुत अच्छे घर का, माँ ने मुझे तरबियत दी है, माँ के पैरों में होती है जन्नत, ये आप भी जानते हैं। हमारे शहादत अली को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी शहादत अली को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और हमारे शहादत अली को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके।